हमारे देश का अलावा ऐसा कहीं भी फ्रीडम नहीं है, कोई भी देश में ऐसा फ्रीडम नहीं है। आपने सुना होगा अलग अलग देश के कपड़ा पहनने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से ऑर्डर कहता है, लेकिन भारत देश ऐसे देश है आप जो चाहे कर सकता है, लेकिन रूल के मुताबिक होना है। आज यहाँ में आपका विधायक के रूप में नहीं है, नहीं आज यहाँ में आपका बीच में खड़ा होता आपका पिता के रूप में आया हूँ और खड़ा हूँ, आपका एक बड़ा भाई के रूप में खड़ा हूँ, आपका एक अच्छा दोस्त के रूप में खड़ा हूँ। इसलिए सबसे पहले यहाँ का जितना भी वोट आए वोट दूसरा का जाति है, हर एक जाति को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। पेमा खांडू के नेतृत्व में उनका साथ अरुणाचल का सीओम सीधर जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, चौरावे हिमालय पर्वत जैसे उनका पीछे में खड़ा होकर पिछले 7-8 साल में अरुणाचल को डेवलपमेंट के दिशा की ओर लेके गया है। आप सब यहाँ जितना भी मेरे बच्चे आप लोग खड़ा है मेरे दिलों से आपको कितना जोर से चिल्लाए भारत पूरा संसार आपका आवाज को सुनाई दे। मैं भारत माता की बोलूंगा आप लोग जय बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जितना भी खड़ा है आप उसका बोल चाहिए थैंक यू वेरी मच, आपने खड़ा किया है क्योंकि आज तक मैंने बचपन से जितना भी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे मनाया है तो एक सिस्टम होता है आधा हफ्ते तक चला जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी करता है हम एक दूसरे को समझना चाहिए क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं उन वीरों को याद करते हुए आज यहाँ इतना भी मंच पर बैठा हुआ है पंचायती राज गांव बुरा जितना भी सोशल वर्कर्स है आपका एडीसी का एडमिनिस्ट्रेशन का टीम है एडीसी सब यहाँ खड़ा है उनका टीम और जितना भी यहाँ पब्लिक मेरा भाई बहन मुझे प्यार करने वाला भारत देश को प्यार करने वाला अपने आप को प्यार करने वाला हम सभी को खास करके मेरा बेटा बेटी यहाँ पे में अभी जितना आज आया हुआ है फिर पहले आज का 79 ये इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए सब जितना गया है उन सबको आप सबको मैं तहे दिल से मेरे दिल से मेरे परिवार से मेरे आत्मा से आप सबको बधाई देता हूँ और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आज का ये सुंदर दिन आप सब के साथ मना रहा है। आप सबको पता है इस समय आज सुबह हम क्यों यहाँ इकट्ठा है, यहाँ सिर्फ बोर्ड उषा माँ का बोर्ड भी नहीं है, आज भारत सुपरा भारत देश में भारत देश का कोने कोने में हम भारतीय माँ पिताजी भाई बहन ऐसे खड़ा होकर हम आज खुशियाँ मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। आज का दिन भारतवासियों के लिए भारत माँ का जितना भी संतान है उनके लिए हम सब के लिए गौरव का दिन है और गौरव का समय है क्योंकि ये ऐसे नहीं मिला है। आप सबको पता है ये भारत देश एक दिन ब्रिटिश का अंदर में था, हमारे बुजुर्गों ने ग्रेट फाइटर्स ने सोशल वर्कर्स ने महात्मा गांधी जैसे नेता लोग उनका साथ बहुत है, आप सबको मालूम है मैं नाम गिने उन सबका सेक्रीफाइस है कितना भारत देश का पुत्र पुत्री जो सेवा में लगाया है अपना जान को डाला है अपना आप को खो के हम सबको आपको ये आज का दिन मनाने के लिए दिया है। सिर्फ आज का दिन नहीं है भारत वर्ष सारे विश्व का यही एक देश है स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस फंडामेंटल हम जो आदमी चाहता है वो कर सकता है, जो सोचता है बोल सकता है, जो आप खाने का दिन खा सकता है, आप पहने का दिन पहन सकता है, यही एक ऐसा सारे विश्व में एक देश है हम खुशियां मना सकता है। भारत देश का अलावा ऐसा कहीं भी फ्रीडम नहीं है, कोई भी देश में ऐसा फ्रीडम नहीं है। आपने सुना होगा अलग अलग देश के कपड़ा पहनने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से ऑर्डर कहता है, लेकिन भारत देश ऐसे एक देश है आप जो चाहे कर सकता है लेकिन रूल के मुताबिक होना है। आपका खुशी के लिए भारत देश का जो गवर्नमेंट है उनका बिजनेस भी है आपको खुशी देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, आपस में हम भाईचारा में रहने के लिए। आज सुबह इतना खुशी का दिन है, ये खुशी का मौके पे सुबह बारिश भी आया है, ये बारिश हम सब के लिए ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन द स्काइज होता है, एक आशीर्वाद है। बारिश का बिना पानी का बिना पेड़ पौधा अभी भी नहीं रहेगा, तो बारिश हम सब के लिए खुशी का दिन है। मैं भी आप सबको देख के मेरा बचपन का याद आया है, मैं भी स्कूल में एनसीसी किया करता था,
ऐसे प्रेस करें क्या करता था जब इंडिपेंडेंस डे में रिपब्लिक डे में हम लोग करता था तो हम लोग अंधेरा जैसे बड़ा लोग बुरा लोग आता था देखने आता था हम लोग बहुत खुशी था। लेकिन मुझे आज पता लगा है क्योंकि इतना अलग अलग इतना हम लोग है हमारे चेहरे एक भी नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हम भारत देश में एक होकर रहता है ये भारत का महानता है। इसके लिए आज मैं आप सबको भी ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मैं जो बात करूंगा आपको समझ में आना है। आज यहाँ में आपका विधायक के रूप में नहीं है मैं आज यहाँ में आपका बीच में खड़ा हूँ तो आपका पिता के रूप में मैं आया हूँ और खड़ा हूँ आपका एक बड़ा भाई के रूप में मैं खड़ा हूँ आपका एक अच्छा दोस्त के रूप में मैं खड़ा हूँ। इसलिए सबसे पहले यहाँ का जितना भी वोट आए वोट दूसरा का जनजाति है हर एक जाति को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ आदर करता हूँ। खास करके हमारा सिंको समाज का जितना भी भाई बहन है माता पिता है आप सबको सिर चुके हाथ उठाकर मैं सलाम करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि हर जगह में हर क्षेत्र में माना जाता है कि ये पाना पाना जाति का जगह है तो ये हम सब मालूम है कि ये एरिया ये जो नीति एरिया है सिंको समाज ने इसको खोला है इसको संभाला है और संभाल कर हम सबको आज यहाँ इतना हजारों में आया है हम सबको एक साथ बैठने के लिए हमें सुविधा है हमें प्रेम से रखा है ये आपका भरतपन है और सिंको जितना समाज आपको शुरू करते हैं ऐसे ही आपका प्यार थोड़ा अरुणाचल में फैला हुआ है भारत देश में फैलेगा ये मैं विश्वास के साथ में आपको बधाई देता हूँ। और साथ में जितना भी अलग जितना भी सिंको जाति के अलावा जितना सोसाइटी है जनजाति है आप सबको भी गौरव फील करना चाहिए इतना सुंदर जगह यहाँ प्लेन है कुछ भी आप खेती करेगा बागान करेगा फेंक तो अनाज हो जाता है। अरुणाचल में ही ऐसे बहुत सा जगह है आप जितना भी करो पसंद निकलता नहीं है लेकिन ये बहुत दूसरा ये एरिया है इतना ब्लेसेड है आप फेंकने से हो जाता है। उस जगह में ऊपर वाला ने लोगों ने हम सबको इकट्ठा किया है और आज का दिन को मनाने के लिए दिया है। इन शब्दों के साथ में आपको बताना चाहता हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट जैसे भारत देश इंडिपेंडेंस डे मिला है आज आपको मैंने अभी बताया है सारा विश्व में भारत ही ऐसा एक देश है आप खुशी से जी सकता है हंस सकता है खेल सकता है रो सकता है। ऐसे ही अरुणाचल में हमारा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नेतृत्व में उनका साथ अरुणाचल का सीओन लीडर जो अनकंट्रोवर्शियल फिगर है चौनाबेन साहब हिमालय पर्वत जैसे उनका पीछे में खड़ा होकर पिछले 7-8 साल में अरुणाचल को डेवलपमेंट के दिशा की ओर लेके गया है। आप सबको पता है उसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ एक भी आपका अरुणाचल में स्केल पहले जब भी दिल्ली से कोई लोग आना चाहता था फिर तो आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाता था क्योंकि यहाँ का एयर का कनेक्टिविटी नहीं था। अभी आपको खुशी होगा आपका अरुणाचल का कैपिटल है ईटानगर में औरंगी में अभी एयरपोर्ट है भारत का किसी भी कोना में आप ईटानगर से भारत के किसी भी कोना में अभी 2 घंटा में 1.5 घंटा में आप पहुंच सकता है। पहले आपको पहुंचने के लिए अपना ही भारत देश का कैपिटल में दिल्ली में पहुंचने के लिए 1 दिन लगता था लेकिन अभी आपको 2 घंटा लगता है। ये देवा कमिटी का निरसी का नेतृत्व में ये अद्भुत काम किया है जब से हमें ये गृहमंत्री का तब से लेके इसे भूत हुआ लेकिन काम घरों ने किया है लेकिन अपना हिसाब से किया अपना तजुर्बा के हिसाब से किया लेकिन पेमा खांडू ने ये पिछले 7-8 साल में भारत देश को दुनिया के साथ मिलाया है हम सबको तरीके में ले गया है। मैं आप सबका माध्यम से हमारा चीफ मिनिस्टर को आज मैं दिल से सलूट करता हूँ मैं विश्वास है हमारा चीफ मिनिस्टर और भी अद्भुत तरीका से अरुणाचल को आगे बढ़ाएगा और अरुणाचल एक दिन जैसे भारत देश का पूछ नहीं बल्कि सी बन के चलेगा जब अरुणाचल